ये रामनवमी का जो त्यौहार है पटना ज़िले में मुख्य रूप से दो जगहों पर, एक महावीर मंदिर है स्टेशन के पास, वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, और डाकबंगला चौराहा पर शाम को जुलूस आते हैं बड़ी संख्या में, और वहाँ उसको देखने के लिए भी बड़ी संख्या में भीड़ होती है लोगों की। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने आज जो फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्यूटेड हैं उन लोगों की ब्रीफिंग आज यहाँ ज्वाइंट की है वीर कुंवर सिंह पार्क में, और लोगों को अलर्ट किया गया है भीड़ प्रबंधन के लिए, और किसी प्रकार का स्टैम्पेड या किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, और जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो उचित ठीक ढंग से दर्शन कर लें और देख लें कार्यक्रम को और चले जाएं, किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो, इसको लेकर के आज ब्रीफिंग की गई है। टाइमिंग क्या रखा गया, कितने बजे से प्रवेश दिया जाएगा? ये जो महावीर मंदिर है उसमें 2:15 बजे पट खुलेगा उसका, और आरती होगी और उसके बाद दर्शन शुरू हो जाएंगे, और आज रात में ही लगभग 10 बजे से लाइन में लोग लगने लगते हैं। इसको देखते हुए हम लोग आज 9 बजे रात से ही डेपुटेशन किए हुए हैं 2 पाली में, कल 8 बजे तक, और फिर 8 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक। तो कुल मिला करके मुस्तैद रहेंगे लोग और व्यवस्था अच्छी की गई है, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। सुरक्षा को लेकर के पर्याप्त व्यवस्था की गई है, और बड़ी संख्या में फोर्स मजिस्ट्रेट सब लोग डिप्यूटेड हैं, और बाकी अन्य जो मेडिकल टीम है हमारी वो भी यहाँ है, CCTV कैमरे हैं वो लगाए गए हैं, वीडियोग्राफर भी हमारे रहेंगे, बैरिकेडिंग की गई है पूरा महावीर मंदिर से लेकर के यहाँ वीर कुंवर सिंह पार्क तक काफ़ी दूरी में। तो व्यवस्था हम लोगों की पूरी टाइट है और किसी प्रकार की दिक्कत लोगों को नहीं होगी। नहीं, जो जुलूस निकलता है जो डाकबंगला चौराहा पर आता है उसके साथ ही जो लोग आना चाह रहे हैं आएँ, अलग से कोई रैली वगैरह निकालने की अनुमति नहीं है, और जो भी जुलूस है उसका लाइसेंस लेना अनिवार्य है, बिना अनुज्ञप्ति के कोई जुलूस या लाइसेंस होगा तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। डाकबंगला चौराहे पर जो शाम का कार्यक्रम होता है उसके लिए बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा जो पूरे ज़िले में दूसरे संवेदनशील स्थान है, पटना सिटी अनुमंडल के अंतर्गत मसौढ़ी अनुमंडलगत पालीगंज दानापुर फुलवारी सर, उन सभी स्थानों पर भी बल की प्रतिनियुक्ति की गई, और ये प्रतिनियुक्ति जो है, जो दुर्गा पूजा का विसर्जन जुलूस निकलना है 31 को, तब तक ये प्रतिनियुक्ति बनी रहेगी। सर, अगर भीड़ में कोई भी उपद्रवी तत्व शामिल नहीं, ये पहले से ही हम लोगों ने ये सभी को निर्देश दिया है कि इस तरह से जिनका पूर्व का एंटीसीडेंट रहा है ऐसे लोगों को पहले से ही चिन्हित करके उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे, और ज़रूरी होने पर सभी को 24 घंटे के लिए जो धारा 158 CRPC है, 151 CRPC उसके अधीन प्रिवेंटिव अरेस्ट भी करेंगे। इसके बावजूद अगर भीड़ में कोई इस तरह की कोई कार्रवाई करता है तो उसके अगेंस्ट भी जो विधिसम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। ये रोजा भी साथ में चल रहा है तो नहीं, वो हम लोगों के जो हम लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया है उसको, जो अभी रमजान का महीना चल रहा है उसको भी हम लोगों ने एकोमोडेट किया है, और उस तरीके से भी बलों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। सोशल साइट पे लगातार पुलिस मुख्यालय के स्तर से, आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से, और हमारा जो अपना तकनीकी शाखा है उसके स्तर से जो है नज़र रखी जाती, निगरानी रखी जाती है, और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या सामान्य जनता नागरिकों के माध्यम से जो है, गणमान्य नागरिक हैं उनके माध्यम से जो सूचना मिलती है, इन सभी माध्यमों पे हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं और जो भी जरूरी कार्रवाई है वो हम लोग करते हैं। पार्किंग के लिए SP ट्रैफिक साहब ने विस्तृत निर्देश निर्गत किया है, जो आना है पटना रेलवे स्टेशन के, विशेष रूप से जिनको आना है उन सभी लोगों से अनुरोध है कि वो करवीगैया की तरफ से आएँ रेलवे स्टेशन, कल जो है आज रात से लेकर कल शाम तक जो है जो पटना रेलवे जंक्शन का मुख्य प्रवेश द्वार है उस तरफ से जाने पर मनाही रहेगी। करवीगैया की तरफ से सभी तरफ से ट्रैफिक को इस तरह से डाइवर्ट किया गया है कि करवीगैया साइड से पटना रेलवे जंक्शन आने जाने के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सर, भोजपुरी सिंगर जो आकांक्षा सिंह आत्महत्या मामला था उस मामले को लेकर, देखिए रैंडम सवाल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। आपने सुना चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, 2 शिफ्ट में डेपुटेशन है, रात के 9 बजे से ही सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस का डेपुटेशन हो गया है, और कल फिर 8 बजे से लेके कार्यक्रम समाप्ति तक का डेपुटेशन हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, और हम आपको दिखाएं कि कहां से बैरिकेडिंग है, क्या है, सब कुछ हम बताएँगे, आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।